हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हेल्पिंग भारती। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो आप सभी को ज़रूरत है। तो दोस्तों, आजकल के टाइम में हर कोई अपने फ़ोन के स्टोरेज से परेशान है। हर किसी को हर समय कुछ ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा अपने ऐप स्टोर में जाके। तो चलिए हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इसका नाम है कंप्रेसर। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल में कंप्रेसर डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन का नाम है वीडियो कंप्रेसर। आप यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं, इसका आइकन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो जब आप इस पे सर्च पे जाके कंप्रेसर लिखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आएगा। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, सेम टू सेम यहाँ ओपन के जगह गेट लिखा रहेगा। बट यहाँ ओपन इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ये पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ। तो चलिए अब हम करते हैं इसे ओपन। ओपन करने के बाद आपको जिस वीडियो को आपके मोबाइल में, जो इंटरनल मेमोरी में जो वीडियो पड़ा हुआ है, जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा पहला वीडियो है 834 MB का है। अब इसे ये दूसरा वीडियो 681 MB का। तो देखिए, ये फाइल साइज़ बहुत ही बड़ा है, जो कि 834 MB आपके मोबाइल को एक बहुत ही बड़े हिस्से को घेर रखा है। तो इसको मैं करता हूँ कंप्रेस। तो चलिए आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसके फाइल साइज़ को छोटा करते हुए भी बिना वीडियो क्वालिटी ख़राब हुए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कंप्रेस करना। इस पर हम करते हैं हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इसको हम आप क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको हम करते हैं अब कंप्रेस। तो यहाँ पे जो इम्पोर्ट लिखा हुआ है पिंक कलर का, इस पर हम किए तो कुछ यहाँ इस तरीके से आ गया दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे ये दिखा रहा है बिफोर, मतलब पहले अभी 834.9 MB लिखा हुआ है और ये कंप्रेस होके 110.6 MB में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये मतलब कितना कम हो गया दोस्तों। अगर आप इस तरीके से करते अपने हर वीडियो को कंप्रेस, तो आप, अगर आपके मोबाइल में 50 वीडियो का स्टोरेज है, तो आप डायरेक्ट डबल ट्रिपल भी अपने मोबाइल में वीडियो रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से पिंक कलर के जो लिखा हुआ है कंप्रेस, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कंप्रेस पे, हमारा वीडियो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर करते हैं क्लिक। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से अब हमारा वीडियो कंप्रेस होना शुरू हो चुका है, ये देखिए। और इस कंप्रेसर की एक खासियत ये है कि मैंने कई कंप्रेसर यूज किया है, तो उसमें दिक्कत क्या आती है दूसरे कंप्रेसर में दोस्तों, कि उसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है और झंझट भी बहुत ज़्यादा है, ये करो वो करो। इसमें आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा चीज़ बता रहा हूँ। इसमें मतलब कुछ मतलब कठिन नहीं है और बहुत ही जल्द आपका वीडियो कंप्रेस होकर, ये मैं पूरा एक लाइव दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल बिना वीडियो कट किए हुए। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से मतलब बहुत ही फास्ट ये कंप्रेस हो रहा है। एक से डेढ़ मिनट में आपका वीडियो पूरा कंप्रेस हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस कंप्रेसर को यूज करके अपने मोबाइल में अधिक से अधिक वीडियो या मूवी या कोई भी फाइल स्टोर करके रख सकते हो। नॉर्मल आज के टाइम में हर बंदा चाहता है कि हमारे फ़ोन की स्पेस, हमारे फ़ोन की मेमोरी अधिक से अधिक हो। लेकिन आज की दिक्कत यह है कि अगर आपको एक मूवी रखते हो अपने मोबाइल में, तो वो भी 1 से 1.5 GB का मूवी होता है। तो ये काफ़ी दिक्कत होती है फ़ोन में मूवी वगैरह या वीडियो वगैरह स्टोर करके रखने में। तो ये कंप्रेसर का फ़ायदा ये है कि आप अपने मोबाइल में आसानी से किसी भी वीडियो को, किसी भी मूवी को कंप्रेस करके रख सकते हो। और अच्छी बात यह है कि वीडियो की क्वालिटी ख़राब नहीं होती। जैसा आपका ओरिजिनल वीडियो होता है, सेम टू सेम वैसा ही वीडियो आपको कंप्रेस करने के बाद भी रहता है, बस उसका फाइल साइज कम हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, कितना जल्दी ये कंप्रेस हो रहा है, 95% हो चुका है। तो अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मतलब 1 से 1.5 मिनट में ही पूरा वीडियो कंप्रेस हो गया। ये कुछ ऐड आ गया, इसको हम हटा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे वीडियो कंप्रेस हो जाएगा तो यहाँ पे टिक लगा हुआ कुछ ऐसा आ जाएगा, और ये नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है, इस पर डिलीट ओरिजिनल वीडियो लिखा हुआ है। तो ये है कि आपका पुराना वीडियो इस पर क्लिक करने के बाद डिलीट हो जाता है। चलिए हम पुराने वीडियो को करते हैं डिलीट। तो यहाँ से जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो हमारा जो पुराना वीडियो है वो हो जाएगा बिल्कुल डिलीट। तो अभी तो मुझे ये वीडियो डिलीट करना नहीं है, इसलिए मैं अभी डोंट अलाउ पे क्लिक करता हूँ। इसी तरीके से आप उसको अगर डिलीट कर दोगे, तो आपका वो वीडियो हो जाएगा डिलीट
और ये सेम टू सेम जहाँ पे वो वीडियो आपका पहले था सेम टू सेम वही गैलरी में आपका वो सेव होके हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से अपने वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।